हेलो हेलो हाँ बोलिए भाई साहब, आपसे एक सवाल पूछना था। किसी का इंतकाल हुआ है क्या? नहीं, इंतकाल नहीं हुआ है, थोड़ा तकनीकी सवाल है एग्जाम के सिलसिले में। क्या मजाक लगा रखा है, कब्रिस्तान है अल मुसलमा कब्रिस्तान, यहाँ क्या सवाल पूछना है आपको? हम मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, आपसे मदद मांग रहे हैं। अच्छा पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये आपके यहाँ दफनाते हैं, इसमें गड्ढा कौन खोदता है? ये क्यों जानना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, बस ऐसे पूछ रहे थे, गड्ढा कितना गहरा हो। कौन हो भाई, और गड्ढे से क्या मतलब है आपको? आदमी है भाई, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। तुम्हें किसी को दफनाना है क्या, या कब्रिस्तान के ऑफिस में आके मालूमात करो? नहीं, हमें किसी को दफनाना नहीं है, थोड़ा तकनीकी सवाल है, इसलिए पूछते जा रहे थे गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए। हमें नहीं पता गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए। अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने, कल सबमिशन है, जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, पर खाना खाकर जा चंचल, राजमा बना है। नहीं, वापस आकर खाएंगे। अरे कहाँ चली वो? हम अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने। इतवार को छुट्टी के दिन कौन सा प्रोजेक्ट करना? कल कॉलेज में सबमिशन है ना पापा, इसलिए होमवर्क कंप्लीट करना है। अरे तो ज्यादा जरूरी है तो फ्रेंड को घर पे बुला के कर लो ना। हमारा काम है, हमको जहाँ करना है हम वहाँ करें। ठीक है ऋतिक भैया, बाय पापा। चंचल 12:30 बजे घर से निकली थी मैडम, कहकर गई अपने दोस्त के घर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। रात के 11 बज गए अभी तक लौटी नहीं, और फोन भी बंद आ रहा है उसका। हमसे भी बोलकर गई थी कि कॉलेज का कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट है जिसका सबमिशन कल सोमवार को करना है। हमने तो कहा भी था कि दोस्त को घर पे बुला लो, पर बोली नहीं, उसके घर जाके उसके साथ बैठ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। चंचल गुप्ता ने रविवार को अपने परिवार के सभी सदस्यों से ये कहा था कि अगले दिन यानी कि सोमवार को कॉलेज में एक प्रोजेक्ट सबमिशन है जिसे पूरा करने के लिए वो अपने दोस्त के घर जा रही। क्या चंचल ने झूठ कहा था? क्या ये प्रोजेक्ट सबमिशन की प्लानिंग का झूठ पहले से तय किया गया था? ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने चंचल अपने किस दोस्त के घर गई थी? उसने बताया नहीं, वो जल्दी में थी, हमें पूछना चाहिए था। आपकी बेटी चंचल का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। जी सर, हम लोग भी 6 बजे से ट्राई कर रहे हैं, हमें लगा कि शायद उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन अब तक ना चंचल आई है ना ही उसका फोन ऑन हुआ है। 10:30 बजे तो सर हमें फिक्र होने लगी, हम सीधा यहाँ चले आए। इतनी देर तक चंचल किसी के घर नहीं रुकती सर। शायद आप सही सोच रहे हैं, उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी और वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक गई हो। इतनी रात में कहीं रुकती तो हम में से किसी ना किसी को तो जरूर बताती, अब हमें फिक्र हो रही है। इसीलिए कह रही हूँ आराम से आप लोग घर जाइए, कल सुबह तक मैं वापस आ जाएगी। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? हमारी 20 साल की बेटी 12:30 बजे से घर से बाहर निकली है, अब तक लौटी नहीं है। आप लोग खुद तो आराम से बैठे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि हम घर पर जाकर आराम से सुबह तक वेट करें। अच्छा एक काम कीजिए, चंचल के दोस्तों का नंबर दीजिए, हम बात करते हैं सबसे। आप लोगों ने उसके किसी भी दोस्त को कॉल किया? नहीं, हमारे पास उसके किसी भी दोस्त का नंबर नहीं है। तो उसके किसी दोस्त का एड्रेस है आप लोगों के पास? ना आप लोग नाम जानते हैं ना किसी दोस्त का एड्रेस जानते हैं। अच्छा ये बताइए किस दोस्त के घर गई है, कुंतीपुर के किस एरिया में गई है? उसने हमें नहीं बताया और हमने गलती कर दी ना पूछकर। आपकी बेटी 20 साल की है, बालिग है, कॉलेज तो अपने आप ही जाती है ना? जी हाँ। हो सकता है किसी वजह से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर अपने फ्रेंड के यहाँ रुक गई हो, उसका फोन बंद हो गया, उसे पता ना चला, बैटरी डाउन हो गई हो। आप लोग उसे ढूंढने की कोशिश तो कीजिए, ऐसे कैसे आप लोग इतनी आसानी से हम लोगों को टाल रहे हैं? टाल नहीं रहे, समझा रहे हैं। अच्छा एक काम कीजिए, चंचल की फोटो दीजिए, हम नाइट पेट्रोलिंग टीम को पास ऑन करते हैं, वो लोग ढूंढेंगे रात। सर, चंचल की फोटो नाइट पेट्रोलिंग टीम को फॉरवर्ड कर दी गई है, वो लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक है, और इमीडिएटली हम कर भी क्या सकते, 20 साल की लड़की है, ये भी नहीं कि घर वालों को बता दे फोन करके कि किस दोस्त के यहाँ रुकी है, और ये लोग हमसे कह रहे हैं इमीडिएटली ढूंढ निकालो, देखते हैं सुबह तक आ जाएगी। Thank you.
अखिलेश जी, मैं कुंतीपुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर निशांत वर्मा बोल रहा हूँ। आपकी बेटी चंचल घर वापस आई क्या? नहीं लौटी है, और अब हम सीधे डीएसपी साहब के पास जा रहे हैं। कल रात को आप लोगों का रवैया सही नहीं था। हमारी बेटी गायब है। आप लोग खुद तो आराम से बैठे ही थे, और हमें भी ये कह रहे थे कि हम अपने घर पर आराम से बैठे। पेट्रोलिंग टीम ने रात भर पूरे कुंतीपुर में चंचल को ढूंढा है। हमारी एक टीम लगी हुई है केस पर। आप परेशान मत होइए। क्या मतलब कि परेशान मत होइए? आप लोगों को अंदाजा भी है कि हमारी पूरी रात कैसे कटी है। हमारी 20 साल की बेटी पूरी रात से घर नहीं लौटी है। अगर आपकी बेटी होती तो आप लोग चुपचाप बैठे रहते क्या? कल का अखबार पढ़ना तुम लोग। अखबार में यही छपा होगा कि फैमिली गई थी पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं। सर, सभी नाइट पेट्रोलिंग टीम को चंचल का फोटो भेज दिया गया। उन्होंने कुंतीपुर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले गांव में भी पता किया। सर, मैं कल सुबह 10 बजे ऑफिस खुलते ही लड़की के सीडीआर के बारे में बात करने वाली हूँ। सर, फैमिली को खुद नहीं पता कि लड़की कहाँ गई है, यहाँ तक कि उन्होंने उसके किसी दोस्त का नाम भी नहीं बताया। निकिता, कोशिश करो जितनी जल्दी सीडीआर मिल सके। लड़की के कॉलेज जाओ, उसकी कॉलेज बैकग्राउंड पता करो, देखो क्या मिलता है। दीक्षित, गुप्ता फैमिली के घर के आसपास पता करो कोई सीसीटीवी है क्या। अगर है तो एक टीम लगा दो फुटेज चेक करने के लिए। कम से कम ये तो पता चले कि लड़की किस तरफ गई है। जी सर। मैं लड़की की फैमिली से मिलता हूँ। अखिलेश जी, चित्रा जी, ऋतिक, चंचल का कोई बॉयफ्रेंड है? काम से भागने का अच्छा तरीका है। अब आप कहेंगे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। कोई बॉयफ्रेंड नहीं। हमने रात में भी आपकी टीम को बताया कि वो अपने दोस्त के घर प्रोजेक्ट बनाने गई है, और आप लोगों ने सीधा अनुमान लगा लिया बॉयफ्रेंड के घर गई है। हम कोई अनुमान नहीं लगा रहे। चंचल अब तक घर नहीं लौटी है, तो इसकी कोई तो वजह होगी। हमारे लिए हर वजह को टटोलना जरूरी है, ताकि हम इस बात का पता लगा सके कि चंचल इस वक्त कहाँ है। और जाहिर सी बात है, इस बारे में आप लोगों से बेहतर हमें और कौन बता सकता है। आप लोगों ने कहा कि चंचल दोस्त के घर, तो उसने कुछ तो बताया होगा। कौन दोस्त? वो दोस्त लड़की है, लड़का है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या चंचल का कोई बॉयफ्रेंड है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अब तो 24 घंटे होने आए, अब तक नहीं लौटी वो। पता नहीं चंचल किस हाल में होगी। प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट मैम? रेशमा, तुम और चंचल बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो ना? हाँ मैम, पर आज तो किसी भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं था। तो फिर किस फ्रेंड के घर गई होगी चंचल? ये तो हम भी सोच रहे हैं मैम। पिंकी से हमारी बात हुई थी, वो आ रही है कॉलेज। पिंकी, तुम और रेशमा चंचल की बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? अगर वो तुम्हारे यहाँ नहीं आई तो कहाँ जा सकती है? हमें कोई आइडिया नहीं है मैम। अगर उसने हमें कुछ बताया होता तभी तो हमें पता चलता, पर हमें कुछ भी नहीं पता। मैम, मैं कम है? मैम, हमने क्लास में सबसे पता कर लिया है, पर चंचल किसी के पास भी नहीं गई थी। देखो, सिचुएशन बहुत बिगड़ती जा रही है। चंचल का फोन भी स्विच ऑफ है। अगर तुम दोनों कुछ जानती हो तो बिना डरे तुरंत बता दो। हम सच में कुछ नहीं जानते। और मैम, चंचल प्रोजेक्ट का नाम लेकर क्यों जाएगी? प्रोजेक्ट का झूठ तो आसानी से पकड़ा जाता। कहीं जाना होता तो अपने फ्रेंड का नाम लेकर जाती। पिंकी, तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि चंचल घर वापस नहीं लौटी। अगर वो घर वापस आ जाती तो किसी को पता नहीं चलता कि उसने झूठ बोला था। पिंकी, रेशमा, चंचल का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं मैम, हम इतना जानते हैं कि कॉलेज में तो कोई नहीं था। चंचल, तुम लोगों से सैटरडे को तो कॉलेज में मिली होगी। कोई बात हुई थी? कुछ बताया था उसने? कोई छोटी सी भी बात? रेशमा, तुम नोट्स कंप्लीट कर लो ना, तो हमें दे देना, हम छाप लेंगे। हम तो कल फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, मंडे को आखिर करें। अरे, तुम लोग कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? कॉलेज के नोट्स कितने ज़्यादा होते हैं, हम तो कोचिंग क्लासेस के ही रेफर करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, और आसान भी रहता है। नॉर्मल सी बात हुई थी, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा कि संडे को कहीं जाने वाली है। मैम, हो सकता है वो अपने कोचिंग क्लास वाले किसी फ्रेंड के यहाँ गई होगी। कौन से कोचिंग क्लास जाती है वो? और उस कोचिंग क्लास के किसी फ्रेंड का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं मैडम, हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास भी नहीं है, पर राजयोग नगर में कोचिंग क्लासेस है, प्रोग्रेस की कोचिंग क्लास, वही जाती है चंचल। कुछ मिला किशोर? नहीं सर, यहाँ कहीं सीसीटीवी ही नहीं है। लड़की की फोटो दिखा के पूछ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ध्यान नहीं गया। सर, कल संडे का दिन था, मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती। कोशिश करते रहो, लड़की झूठ बोलकर भागी है, हो सकता है वहीं से निकली हो। सर, मैं प्रोग्रेस की कोचिंग क्लास पहुँच रही हूँ, शायद वहाँ का कोई फ्रेंड हो सकता है। चंचल जिस किसी के भी घर गई, पर इतना तो तय है कि उसका कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं। ताज्जुब की बात, फैमिली तो अभी भी यही कह रही है कि चंचल कॉलेज के प्रोजेक्ट के सबमिशन की बात बोल के घर से निकली। सर, जब मैंने चंचल के पेरेंट्स से कॉलेज के बारे में पूछा तब उन्होंने कोचिंग क्लासेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कोचिंग वाली बात तो मुझे चंचल की फ्रेंड रेशमा और पिंकी ने बताई। चंचल ये सब क्या कर रही है? पिंकी, हमको भी समझ नहीं आ रहा है। हमें पता है क्या लग रहा है? क्या? चंचल कहीं पी पा के पड़ी होगी, ऐसा हो सकता है ना। आओ जल्दी।
तो वहीं पड़ी होगी, चलकर देखते हैं। जल्दी ही चंचल के कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। हम चंचल को हर उस जगह पर ढूंढ रहे हैं जहाँ जहाँ वो जा सकते थे। लेकिन एक बात आप लोग भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, चंचल आप लोगों से झूठ बोलकर घर से निकली थी। चंचल के कॉलेज में आज कोई प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं है, और आप लोगों को हमारी जिस बात पर सबसे ज़्यादा एतराज़ था ना, वही बात चंचल की प्रिंसिपल और उसके टीचर्स भी पूछ रहे हैं कि क्या चंचल का कोई बॉयफ्रेंड है। चंचल ने हमसे झूठ बोला? ये तो क्लियर है कि चंचल झूठ बोलकर घर से निकली थी, लेकिन पूरा सच आप लोग भी नहीं बता रहे। हमारी एक टीम गई है चंचल की कोचिंग क्लासेस। सर ये कोचिंग क्लासेस वाली बात हमारे दिमाग से निकल गई, वो हमें कॉलेज का बोलकर गई थी, कोचिंग क्लासेस दिमाग में आया ही नहीं। तो अब याद कर लीजिए अखिलेश जी, डालिए दिमाग पर जोर, शायद आपको कुछ ऐसा याद आ जाए जो आपने हमसे पहले नहीं बताया, जो चंचल को ढूंढने में हमारी मदद कर सके। लेकिन प्लीज कुछ भी छुपाइएगा नहीं। अरे हम छुपाएंगे क्यों? अगर हमें छुपाना होता तो हम कल रात को आपके पास कंप्लेंट दर्ज करने क्यों आते? ये बात सही है आपकी, लेकिन ये बात भी सही है अखिलेश जी कि चंचल झूठ बोलकर गई थी घर से। अगर वो सच बोलकर जाती तो शायद उसको रोका जा सकता था, इसीलिए झूठ बोला होगा ना उसने। कैसी बात कर रहे हैं आप तो हम ही पे उंगली उठा रहे हैं। अब आप हम पर इल्जाम लगा ही रहे हैं तो आप ही बताइए ना, हम उसे क्यों रोकेंगे? वो कॉलेज में जाती है, क्लासेस में जाती है, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर जाती है, हम उसे क्यों रोकेंगे? चलो ठीक है सर, मेरी बहन झूठ बोल के गई, लेकिन गई कहाँ? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? देखिए सर प्लीज, कुछ गलत होने से पहले उसे ढूंढ लीजिए सर। क्लासेस का प्रोजेक्ट? नहीं तो क्लासेस का कोई प्रोजेक्ट सबमिशन नहीं है। मुझे चंचल के बैच में इससे बात करनी है। वो लोग तो 4 बजे आते हैं मैडम, उनका बैच 4 से 5:30 तक होता है कॉलेज टाइम के बाद, और सैटरडे को 2:30 से 4:30 बजे तक। आपको अगर बात करनी है तो हम चंचल की सबसे क्लोज फ्रेंड स्वाति अवस्थी का नंबर दे सकते हैं, वो दूसरे कॉलेज में है लेकिन यहाँ हमेशा एक साथ रहती है। कुछ है वहाँ? कुछ नहीं, हमें लगा हमारे पैरों के नीचे कुछ आ गया। कलमे पाक, कलमे शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم। मैम चंचल हमारे घर नहीं आई थी, उससे आना होता तो हमको फोन करती, ऐसे झूठ क्यों बोलती? अंकुर स्वाति देखो, तुम लोगों को ये अंदाजा है कि चंचल ऐसे झूठ बोलकर अपने घर से बाहर क्यों जाएगी? और अगर मान लो उसने झूठ बोला भी था तो उसकी फैमिली क्यों झूठ बोल रही है कि वो प्रोजेक्ट के बहाने घर से बाहर निकली थी? देखो हम उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगा रहे हैं, पर सबका यही कहना है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पर हमें ऐसा नहीं लगता। स्वाति हमें सही लगता है ना? एक्चुअली मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उसने अचानक से प्रोजेक्ट या फ्रेंड का बहाना क्यों बनाया। अगर वो कहीं गई भी थी तो फिर घर क्यों नहीं लौटी? थोड़ा अजीब है सिचुएशन को समझो स्वाति। चंचल को गायब हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तुम तो उसकी दोस्त हो ना, तुम्हें कुछ पता? पुलिस को बता देना चाहिए, आज नहीं तो कल उन्हें पता ही चली जाएगा। तुम्हें मिला था क्यों? जलपागंज तो गए थे वो दिखाने। ठीक है, कल सुबह हम पुलिस को बता देंगे। चंचल के पिता और भाई अब पुलिस को क्या बताने वाले थे,
वो जानते थे कि पुलिस किसी ना किसी तरह सच का पता कर ही लेगी और ये बात चंचल के मिसिंग केस में अहम साबित होने वाली थी। सर, चंचल के फोन की लास्ट लोकेशन अबीरगंज है। अबीरगंज? जी सर। अबीरगंज रेलवे स्टेशन के रास्ते पे है ना? यस सर। ये गुप्ता फैमिली कुछ छुपा रही है। सर, चंचल के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिसपे उसकी रेगुलर बात होती है। इस नंबर पर चंचल की 16 मार्च को बात हुई है, मतलब कम से कम उसके गायब होने के दिन तक तो हुई। कॉल करो, देखो किसका नंबर है, क्या जानते हैं। साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी बात फैमिली ने छुपाई कैसे। छुपाया तो उन लोगों ने बहुत कुछ होगा। तू बता चिंटू, तू क्या ढूंढ के लाया? ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी साहब। जैसे ही मैंने चंचल की फोटो अपने लड़कों को दिखाई, उनमें से एक ने बोला, ये तो अपने जलपागंज वाले गौरव तिवारी के साथ इसका अफेयर चल रहा है। तो बस सर, अब गौरव तिवारी को तो आप जानते ही हैं। पान लाइए। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? गौरव तिवारी बोल रहे हैं। आप कौन बोल रही मैडम? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर निकिता तब बोली, कांतिपुर थाना। नमस्कार मैडम, बताइए कैसे याद किया आपने? याद तो तुम्हें चंचल गुप्ता करती होगी, रेगुलरली बात होती थी तुम्हारी उससे। पिछले दो दिन से कोई कॉल नहीं किया तुमने उसे? मैडम, चंचल दोस्त हमारी, इसलिए बात होती है हमारी, पर फोन नहीं लग रहा उसका। लगेगा कैसे, चंचल गायब है। गायब है? दो दिन पहले 17 मार्च को, तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं मैडम, 16 तारीख को आखिरी बार बात हुई है हमारी उससे, पर वो गायब कैसी हुई? तुरंत थाने पहुंचो गौरव, तुमसे बात करनी है। कहाँ हुआ बे, रंग काहे उड़ा हुआ है चेहरे का? चंचल मिसिंग है बे, कैसे मिसिंग हमको पता ही नहीं। सर, गौरव तिवारी तो 12वीं फेल निठल्ला आवारागर्दी करने वाला लड़का, एक साल पहले मैंने इसे पहली बार अंदर किया था एक्सट्रॉशन के केस में। नमस्ते। नमस्ते विनीत भाई, गौरव भाई। खुशी खुशी जाएंगे यहाँ से, ये मूड खराब करेंगे। खुशी खुशी जाएंगे? आप लोगों को तकलीफ देके कौन मुसीबत मोल लेगा। हाँ, कितना मांगा था आपने? 10,000। ये भी कोई भूलने वाली बात है जगन सेठ? चाकू निकाला, वर्दी वाले को चाकू दिखाने के लिए लंबा जाएगा। सर, गलती हो गया हमसे, भारी मिस्टेक हो गया, हमको पता नहीं था। साहब, पहली बार था साहब हमारा, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा साहब। गौरव और विनीत किसी गैंग से कनेक्टेड नहीं है सर, दोनों दोस्त साथ मिलकर छोटे मोटे हाथ मारते रहे। गौरव और चंचल गुप्ता की दोस्ती कैसी? सिर्फ दोस्ती नहीं है सर, दोनों के बीच अफेयर है। वो कॉल रिकॉर्ड्स में जो रेगुलर बात हो रही थी वो यही है गौरव तिवारी। लेकिन गुप्ता फैमिली तो कह रही है कि चंचल की लाइफ में कोई लड़का नहीं है। हेलो। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, हम अखिलेश गुप्ता बोल रहे हैं। नमस्ते अखिलेश जी, हम बस आप ही की बात कर रहे थे। सर, जलपागंज में एक लड़का रहता है गौरव तिवारी, हमें लगता है कि चंचल के लापता होने के पीछे वो हो सकता है। सही कह रहे हैं आप, और कॉल करने के लिए आपने बिल्कुल सही वक्त चुना है। मतलब क्या आपका इंस्पेक्टर? मतलब ये अखिलेश जी कि आप जानते हैं कि चंचल का आज सीडीआर आने वाला है, तो हमें गौरव के बारे में पता चल जाएगा। तो आपने सोचा कि आप छुपा तो पाओगे नहीं? ये आप कैसी कहानियां बना रहे हैं इंस्पेक्टर? चंचल ने हमसे वादा किया था कि वो कभी भी गौरव से बातचीत नहीं करेगी, और हमें पूरा यकीन है कि उसने ऐसा ही किया। वो तो हमें बाद में ख्याल आया कि कहीं गौरव इस बात से चिढ़ गया और उसने चंचल को किडनैप कर लिया हो। किडनैपिंग? चंचल की कैसी बात कर रहे हैं सर आप? अच्छा चल, माना तूने किडनैप नहीं किया चंचल, पर ये तो बता दे चंचल है कहाँ। सर, हम भी हैरान है, वो कहाँ गई? सर, 16 मार्च को उसके क्लासेस के बाद हमने उसे घर छोड़ा था, बस वो आखिरी मुलाकात थी हमारी उसके साथ। बाय। यस। बाय। बोलने का दिल ही नहीं करता। बाय तो कहना पड़ेगा चंचल, इस बाय बाय के सिलसिले को हमेशा के लिए बाय बाय करते हैं ना। पहले ग्रेजुएशन हो जाने दो, फिर उसके बाद बाय बाय का प्लान देखते रहेंगे। अरे तुम बिना ग्रेजुएशन के भी पसंद हो हमको चंचल। अच्छा, और तुम ग्रेजुएशन क्या, पीएचडी भी किए होते ना, पर तब भी हमारे मम्मी पापा तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा सब्र रखो। सर, चंचल हमको हर गुरुवार और शनिवार को मिलती है। सर, गुरुवार को उसकी क्लासेस नहीं होती और शनिवार को एक लेक्चर बंक करके हमसे मिलती है। एक साल से हम लोग मिल रहे हैं सर, हम क्यों गायब करेंगे उसे?
ये क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? आपका बेटा गौरव 17 मार्च को चंचल के साथ यहाँ आया था। चंचल? कौन चंचल? हम किसी चंचल को नहीं जानते। आप इस तरह घर की तलाशी कैसे ले सकते हैं? क्या हुआ विमला? देखिए ना, इन लोगों ने पूरा घर उलट पुलट कर दिया है। बोल रहे कि 17 मार्च को अपना गौरव किसी चंचल को लेकर घर आया था। ये क्या करें सर आप लोग? हम भी सरकारी आदमी हैं। सरकारी आदमी है तो सरकारी काम में मदद कीजिए तिवारी। गौरव का चंचल नाम की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और वो लड़की अब गायब है। आप जानते हैं चंचल गुप्ता को? अखिलेश गुप्ता की बेटी। अखिलेश जी, वो मूर्तिपुर वाले अखिलेश जी? हाँ। दिमाग खराब हो गया आपका? बड़े लोग हैं वो, हमारे बेटे के साथ उनकी बेटी मतलब सर कैसी बातें कर रहे हैं? तिवारी जी, आप अपने बेटे को कम समझ रहे हैं। मैं जानता हूँ उसे, पहली बार मैंने अंदर किया था उसे वसूली के मामले में। अगर वो ऐसा ही लड़का है तो इतने बड़े घर की लड़की उसके पास क्यों आएगी? सर, यहाँ चंचल की कोई निशान नहीं। यही तो हम इतनी देर से कह रहे हैं, वो यहाँ पर आई ही नहीं। अगर आई होती तो क्या हम सबको पता नहीं होता? और आप ऐसे कैसे किसी भी बहाने घर में घुस के तलाशी ले रहे हैं? गौरव ने खुद कहा है कि उन दोनों का अफेयर है। अरे उसको छोड़िए, उसने क्या कहा है? हम ऐसे किसी भी लड़की को अपने घर में घुसने देंगे क्या? हम कह रहे हैं उसे जमकर तोड़िए। वो जानता है कि चंचल कहाँ है। तोड़े उसको? आप लोग सब कुछ जानते हुए भी नहीं बता रहे हैं और बोल रहे हैं उसको तोड़ो, वो बोलेगा। तो नहीं तो प्यार से पूछने पे बोलेगा वो चंचल कहाँ है? वो नहीं बोलेगा। पर तुम तो बोल सकते थे ऋतिक। तुम्हारे दोस्त भूपेश ने कंफर्म कर दिया गौरव की बात कि चंचल और गौरव का अफेयर चल रहा है, और उसने ये भी बताया कि तुमने चंचल पर हाथ उठाया था जब तुमने गौरव के साथ पकड़ा था उसको। चुप। तुझे क्या लगा घर से दूर उतरेगी और बाकी रास्ते पैदल जाएगी तो हमें पता नहीं चलेगा? वो तो हमें सिर्फ ड्रॉप करने आया था ऋतिक भैया। ऋतिक हमारी बात सुन। एकदम चुप, चल कर। ये बात पहले हमें गौरव तिवारी ने बताई। सर ऋतिक ने खुद पकड़ा था चंचल को हमारे साथ, हाथ उठाया था सर उसके ऊपर। अब हम नहीं जानते वो लोग क्यों ऐसा बोल रहे कि हमारे बारे में कुछ नहीं पता उन लोग। देख भूपेश, झूठ मत बोल। हम क्यों झूठ बोलेंगे जबकि हमने ही ऋतिक से कहा था कि इसमें गौरव का ही हाथ होगा चंचल के गायब होने में। गौरव तो कह रहा है कि ऋतिक ने चंचल को उसके साथ पकड़ा था, उस वक्त तू वहीं था। सच है ये? हाँ सर, सच है। अखिलेश जी, चित्रा जी, ऋतिक, चंचल के गौरव के साथ अफेयर वाली बात छुपाने की कोई खास वजह? कोई वजह नहीं थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि चंचल हमें धोखा देकर फिर गौरव से मिल रही होगी। क्यों लगा आपको ऐसा? आपने चंचल को पीटा था इसलिए? ये मारपीट करने वाली बात भी आप लोगों ने हमसे छुपाई? ये तो आपकी पड़ोसन गायत्री दुबे ने हमसे बताया। मैडम जी, हमें ये तो नहीं पता कि चंचल किसी लड़के के साथ भागी या नहीं, पर हाँ उसके घर में खूब हंगामा हुआ करता था चंचल को लेकर। मतलब मारपीट? ऐसा ही समझिए, चंचल अखिलेश या चित्रा के काबू में रहने वाली लड़की नहीं है, वो बिल्कुल खुले मिजाज वाली लड़की है। शर्म है या सब भूल चुकी है लड़की। अब इससे ज्यादा कुछ कहेंगे ना तो हमें शर्म आ जाएगी। तुम उस गौरव के बारे में कुछ जानती भी हो? एक नंबर का आवारा गुंडा है वो। आज के बाद जाओगी उसके साथ? नहीं जाएंगे हम। अगर हमने आज के बाद तुम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो हम तुम दोनों के हाथ पांव तोड़ देंगे। 20 साल की हो गई हो, ग्रेजुएशन होते ही अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देंगे तेरी। ये प्यार व्यार का भूत उतार दे अपने सिर से और दूर रहे उस आवारा से। दोबारा हम नहीं जाएंगे मम्मी उसके साथ। हमारी बेटी ने वादा किया था कि वो फिर कभी उसके साथ नहीं जाएगी। इस गौरव ने ही कुछ किया उसके साथ। देखिए सर, आप उसे जोर देकर पूछे कि कहां छिपाया उसने चंचल को, और ये कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना भी ना उसी गौरव का आइडिया होगा सर। गौरव ने कबूला है कि पिटाई के बाद भी चंचल गौरव से मिल रही और वो दोनों भागने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। गौरव कस्टडी में है हमारे, पूछताछ कर रहे हैं हमसे। देखिए हम फिर कह रहे हैं उसे जमकर तोड़िए, बहुत ही ठीठ है वो, एक नंबर का आवारा गुंडा है वो, सब जानते हैं उसके बारे में। आपकी बेटी भी जानती थी और खुद अपनी मर्जी से गई है उसके साथ। अगर आपसे नहीं उगलवाया जा रहा ना उससे कि उसने कहां छुपाया चंचल को, तो हमें छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। ये धमकी किसी और को देना, पुलिस स्टेशन है ये। तो फिर ढूंढिए ना हमारी बेटी है कहाँ, इस गौरव ने कहाँ छुपाया उसे। अगर आप लोगों ने ये छुपा छुपाई का खेल नहीं खेला होता ना तो चंचल मिल गई होती अब तक। एनीवे, जल्दी ढूंढ लेंगे हम चंचल को। कुछ मिला दीक्षित? सर गौरव का पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। सर मुझे नहीं लगता कि गौरव ने चंचल के साथ कुछ किया भी होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में थे। गौरव चंचल को छुपाएगा भी तो क्यों? ऐसा तभी हो सकता है जब प्लान में चंचल भी शामिल। यहाँ सबके सब खिलाड़ी हैं दीक्षित, ये चंचल भी कोई ना कोई गेम खेल रही है, सब मिलकर दौड़ा रहे हैं।
चंचल और हमारा भागने का प्लान था, बिल्कुल था, लेकिन अभी का नहीं था सर, उसी ग्रेजुएशन के बाद का था। पर हम आपको इतना बता सकते हैं, प्रोजेक्ट वाला झूठ चंचल का नहीं हो सकता, ये उसकी फैमिली का रचा हुआ झूठ है। सर जैसे हम आपको पहले बता रहे थे कि हम लोगों का अफेयर है, लेकिन ये बात भी है कि वो बहुत बिंदास लड़की है सर, स्मोक करती है, शराब पीती है, और दूसरी तरफ उसकी फैमिली है जिसे उसकी हर चीज़ से दिक्कत है। चंचल के सारे बहानों की लिस्ट हम आपके सामने रख सकते हैं सर, लेकिन ये प्रोजेक्ट वाला झूठ हमको हजम नहीं हो रहा। इससे तो वो आराम से पकड़ी जाती, घर वाले बेवकूफ़ समझते उसे, लेकिन वो बहुत स्मार्ट लड़की है सर। भागने का कोई प्लान नहीं था सर, अगर होता तो चंचल कम से कम स्वाति को तो बताती। स्वाति अंकुर, ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है? वहाँ गौरव खुलेआम कह रहा है कि तुम लोग सब जानते हो, चारों एक साथ घुमा करते थे। अब बिना कुछ छुपाए बताओ स्वाति की चंचल कहाँ है? 4 दिन हो गए चंचल को लापता हुए। हम नहीं जानते मैडम कि ये कोई खेल खेल रहा है या चंचल सच में मिसिंग है। माना कि हम गौरव और चंचल को जानते थे, बट सिर्फ एज ए कपल। चंचल ने हमें कभी कुछ बताया नहीं कि वो कहीं जाने वाली है या कोई प्लान बनाने वाली है। तो चंचल है कहाँ? क्या प्रोजेक्ट है ये गायब होने का? सर अंकुर और स्वाति का भी यही कहना है कि वो दोनों कुछ नहीं जानते, काफी डरे हुए हैं, लगता नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। और रेशमा और पिंकी का क्या? वो दोनों भी तो बहुत कुछ छुपा रहे थे हमसे। पर अब मान रहे हैं कि उन्हें चंचल की सारी आदतों के बारे में मालूम था, पर वो गौरव तिवारी को नहीं जानते। चंचल एकदम बिंदास लड़की है, हमें ये बियर पहली बार उसी ने पिलाई थी। मैम ये बियर वगैरह तो चंचल का रोज का ही है, पर हम सच कह रहे हैं, गौरव के बारे में हमें कुछ नहीं पता। चंचल कॉलेज से तो हमारे साथ निकलती, पर वो दूसरे रास्ते चली जाती थी। हमें कोई आइडिया नहीं है कि गौरव उसे दूसरे रास्ते पिक करता था। चंचल को गए हुए 4 दिन हो गए, और इतने दिनों तक बिना प्लानिंग के तो नहीं रह सकती। हमें तो ये यकीन नहीं हो रहा कि चंचल प्रोजेक्ट के बहाने से किसी फ्रेंड के घर जाने की बात करके निकली होगी। और हम आपस में यही सोच रहे थे कि उसकी पूरी फैमिली वहाँ थी, चंचल ऐसे बोल के निकली भी तो उसके भाई मम्मी पापा सब वहाँ थे, किसी ने तो पूछा होता कि वो कौन से फ्रेंड के घर जा रही है। तो हम जो ढूंढ रहे हैं वो गुप्ता फैमिली के घर के अंदर ही। मैंने चंचल के दोस्तों से बात की, आप लोगों ने गौरव से बात की, उसे तो यही पता चल रहा है कि 17 मार्च को चंचल घर से निकली ही नहीं। तुम्हारे घर का सर्च ऑर्डर है हमारे पास। क्या बात कर रहे हैं आप? अब हमारी लापता बहन को ढूंढने के लिए हमारे घर में सर्च करेंगे आप लोग? ये हो क्या रहा है? आप लोग कर क्या रहे? एक मिनट, मैं डीएसपी साहब से बात करता हूं। डीएसपी सर के ऑफिस से ही ऑर्डर है। अब आप बताइए, 17 मार्च को चंचल घर से बाहर निकली थी? आपको क्या लगता है हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ यही लग रहा है हमें। अखिलेश जी बहुत कुछ छुपाया आपने हमसे, सारी बातें नहीं बताई हैं। अब हम हर बात की तह तक पहुंचेंगे, हर कड़ी जोड़े। हमें हमारा काम करने दीजिए, हटिए आप लोग। हटिए हटिए। क्या हो रहा है गौरव? कुछ नहीं अम्मा, बहुत परेशान है आप, फिर से मत शुरू हो जाइए। ये चंचल के साथ क्या चल रहा है तुम्हारा? चंचल गायब है अम्मा, तो परेशान घूम रहे हैं बाहर, हम भी बहुत परेशान हैं। तुम्हें पता है पुलिस घर पे आई थी गौरव, तुम्हारे पापा और हमें कितनी तकलीफ हुई है, कुछ चिंता है तुम्हें हमारी? अम्मा बहुत परेशान है हम, अब कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे गौरव, आप लोग सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, यहां ढूंढने से क्या मिलेगा आपको? वही मिलेगा जो अब तक नहीं मिला है। घर के पीछे की साइड भी कुछ नहीं है सर, मुझे अभी भी लगता है कि चंचल जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई।
मुझे स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि फैमिली में कुछ गड़बड़ है। शायद चंचल उस दिन घर से बाहर निकली ही नहीं। हो गई तसल्ली आपको? अब तो आप हमारी बेटी को ढूंढेंगे ना, या वो काम भी हमें खुद ही करना होगा? देखिए हम आपको फिर कह रहे हैं, ये सब काम उस गौरव तिवारी का ही है। निकिता, पूरी गुप्ता फैम, अखिलेश, चित्रा, ऋतिक, सबके कॉल रिकॉर्ड निकाल। दीक्षित, तुम शायद सही हो सकता है लड़की खुद अपनी मर्जी से गई। शकीना ने इस गौरव का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस समय अपने आदमियों से कहो कि इस पे नजर रखे 24 घंटे। चंचल ऐसे कैसे लापता हुई थी कि अब उसके होने का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था? चंचल के घर की तलाशी में उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन अब केस में अचानक एक मोड़ आने वाला था, बेहद चौंकाने वाला मोड़। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. गौरव कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले बाहर गया, पर कुछ बता कर नहीं गया। उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? हम नहीं जानते, कुछ बताया नहीं उसने। कहाँ गया है? हमने कहा ना आपसे, वो जब बाहर जाता है तो बता कर नहीं जाता, हम नहीं जानते। निकिता, समझ में नहीं आ रहा कि गौरव का फोन अचानक पूरे दिन बंद कैसे आ रहा है। सर, कहीं गुप्ता फैमिली की बात सच ना हो जाए कि गौरव ने चंचल को गायब किया है। सर, अभी परसों तक तो गौरव कुंतीपुर में ही था, चिंटू ने अपने आदमी लगाए थे उस पर नजर रखने के लिए। तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया? सर, समझ में नहीं आ रहा, गौरव को घर से निकलते हुए चिंटू और उसके आदमी ने भी नहीं देखा, और उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है पूरे दिन से। सर, गौरव और चंचल ने ही मिलकर कोई प्लानिंग की है। 5 दिन हो गए चंचल को गायब हुए, अब ये गायब हो गया। नहीं निकिता, मामला कुछ और ही है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि कहाँ गया होगा वो। हम परसों ही मिले थे उससे, चंचल के गायब हो जाने से बहुत परेशान लग रहा था। अब गौरव भी गायब है, उसके माँ बाप बहुत परेशान है उसके लिए। पर अचानक से ऐसे गौरव कहाँ गायब हो सकता है? देख विनीत, तुझे मालूम है तो सच सच बता दे। देख, पुलिस का पूरा शक गौरव पे ही है, उसने भाग के ना अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। अगर गौरव का हाथ होता तो यहाँ कुंतीपुर में रुकता क्या? वो पुलिस के हाथ नहीं आता, गौरव पुलिस वालों से मिला उसके बाद गायब हुआ है। अच्छा ये बता, तेरे अलावा भी वो किसी के साथ उठता बैठता है? साथ उठने बैठने वाले तो बहुत सारे दोस्त हैं, सुनील है, रोहित है, मयंक है। कहाँ मिलेंगे ये सब? कहाँ है हमारा बेटा गौरव? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? तिवारी जी, हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं। खुद उसे ढूंढ रहे हैं? आप लोग उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आए थे, क्या किया आप लोगों ने गौरव के साथ? और यहाँ से जाने के बाद हमारा बेटा बहुत परेशान था, जरूर आप लोगों ने उसे फिर से पकड़ा है। हमने उसे नहीं पकड़ा, हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं और उससे बात करना चाहते हैं। आप लोगों ने ही मदद की है उस गौरव की हमारी बेटी चंचल को भगाने में, और अब जानबूझकर उस गौरव को ही भगा दिया। ये बेबुनियाद बात मत कीजिए अखिलेश जी। क्यों ना करे, हमने पहले कहा था ना कि उसे जाने मत देना, सख्ती के साथ पूछताछ करनी थी उसे। आप लोगों को लगा कि हम केस से पीछे नहीं हट रहे हैं तो उसे कस्टडी से रिलीज कर दिया, अब भाग गया ना वो। ढूंढ रहे हैं हम उसे, हमारी बेटी को ढूंढिए, वो गुंडा गौरव उसे पट्टी पढ़ाकर भगा कर ले गया है। आप लोग यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे हैं और हर बात का इल्जाम हम पर लगाते रहे हैं। गौरव मिसिंग हो गया? मिसिंग नहीं स्वाति, भाग गया वो। देखो स्वाति, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोनों की फैमिलीज हमसे अपने बच्चों के बारे में पूछ रही है, पर हमें ये लगता है कि ये उनका प्लान था। मैम, हम खुद हैरान है, हमको उनके किसी भी प्लान के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही चंचल ने कभी कुछ बताया, ना ही गौरव ने। तुम लोग गौरव के दोस्त हो ना? हाँ सर, हम मयंक पांडे, सुनील भदौरिया और रोहित माथुर। सर, हमें पता नहीं था, हमें आपके खबरी से पता चला तो हमने कहा कि विनीत को जरूर कुछ पता होगा, क्योंकि विनीत ही गौरव के सबसे करीब है। लेकिन सर, विनीत को भी नहीं पता था कि गौरव कहाँ चला गया। मयंक, तुम चंचल को जानते हो? जी सर, बिल्कुल जानते हैं, वो गौरव की गर्लफ्रेंड है, हम सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि वो मिसिंग है? गौरव ने तो हमें खुद कॉल करके बताया था कि चंचल मिसिंग है, बहुत परेशान था वो। वो सिर्फ परेशान था या फिर कोई प्लान था उसका? रोहित, सुनील, मयंक, क्या जानते हो तुम लोग? सर, हमने विनीत से भी ये 100 बार पूछा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। और अगर सर ऐसा कोई भी प्लान होता तो हमें या विनीत को तो पक्का पता होता। लेकिन हाँ, अगर गौरव और चंचल ने कुछ और प्लान किया होगा और ये तय किया होगा कि हमें नहीं बताएंगे, तो फिर हम नहीं जानते सर। सर,
स्वाति ने आपको करण के बारे में कुछ बताया? करण कौन है वो? क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा है। हमें लग रहा है कि चंचल कोई मुसीबत में फंसी होगी। हमें पुलिस को करण के बारे में बता देना चाहिए। सर इस करण का कुछ तो था, चंचल के पीछे भी था ये। स्वाति को सब मालूम है। एक मिनट कादिर भाई, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हेलो, आ रही आवाज? हाँ ऑफिस में नेटवर्क नहीं मिलता है ना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से बात कर लो, सब मामला सेट हो जाएगा। हम शाम को आके मिलते हैं। खुदा हाफिज। ये खुदाई किसने करवाई? नहीं पता राशिद भाई, हमें भी थोड़ा अजीब लगा। कोई काम वाम करवाया है क्या? नहीं राशिद भाई, हमें भी थोड़ा खटका, खुदाई जैसा तो लग रहा है। अबरार? हाँ राशिद भाई। ये नापाक काम किसने किया है? कि यहाँ आके ये सब कौन कर सकता है? तुरंत कुतुब विस्मिल को बुलाओ, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है राशिद भाई। हम आपको बताने वाले थे मैम। स्वाति ऐसी और क्या चीज़ है जो तुम लोग बताने वाले थे पर अब तक नहीं बताया? मैम आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ पक्का नहीं था। ये चल क्या रहा है इस केस में? नए नए लोग नई नई बात बता के जा रहे हैं, तुम लोगों से आराम से पूछ रही तो समझ में नहीं आ रहा है। जब वो मयंक पांडे करण झा के बारे में बता के गया तब तुम अपना मुंह खोल रही हो। करण झा थोड़ा साइको टाइप का है, चंचल के पीछे पागल था, वो उसे ऐसे गायब करवाएगा हमने ऐसा सोचा नहीं था। क्या बोला राशिद? आप खुद ही देख लीजिए सर। गौरव तिवारी की बॉडी, हो क्या रहा है इस केस में? सर इस केस में एक नया नाम उभरा है, करण झा। पुलिस को गौरव की लाश मिली बाबा। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है रेशमा, बात कहां से कहां पहुंच गई। चंचल, चंचल ठीक तो होगी ना? विनीत, गौरव के बारे में कुछ पता चला? पुलिस को अबीरगंज वाले कब्रिस्तान के पीछे गौरव की डेड बॉडी मिली है। क्या क्या बात कर रहा है यार तू? और वो चंचल? चंचल का पता नहीं, कब्रिस्तान के पीछे जो एरिया है ना वहां दफनाया गया था गौरव की डेड बॉडी को। ये आप क्यों दफनाते हैं, इसमें गड्ढा कौन खोदता है? ये क्यों जानना चाहते हैं आप? नहीं नहीं बस ऐसे ही पूछ रहे थे, गड्ढा कितना गहरा होता है। कौन हो भाई और गड्ढे से क्या मतलब है आपको? आदमी है भाई, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। गौरव तिवारी को मारकर दफन किया गया था, लेकिन जितनी गहराई में वो दफन था उससे भी कई गुना ज्यादा गहराई में दफन थी इस केस की बहुत सारी कड़ियां।
आपस में उलझे हुए बहुत सारे रिश्ते, बहुत सी दुश्मनी और बहुत सा दबा हुआ गुस्सा, पसंद नापसंद, गुस्सा, ठेस, हर तरह की भावनाएं मौजूद थी। कुछ लोगों ने इन भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया और इसे अपराध की चरम सीमा तक ले गए। चंचल जिस प्रोजेक्ट के कारण घर नहीं लौटी थी, वो प्रोजेक्ट सुनियोजित अपराध की पृष्ठभूमि पर जन्मा था। सुनियोजित तरीके से हत्या हुई थी और इसे करने वाला आसपास ही था, बिल्कुल करीब। एक जान अब भी खतरे में है। जो खेल खेला गया था जिसमें एक जान गई थी, वो खेल अब भी खेला जा रहा है। गौरव तिवारी की हत्या और चंचल गुप्ता के लापता होने का राज हम खोलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।